हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी, और मैं उसमें अक्खा मूंग भी डालूंगी साथ में। तो मूंग और मूली बना रही हूँ, साथ में मैं दाल वाला ज़ीरा राइस बनाऊंगी। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी टेस्टी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो चलिए बनाते हैं। दो जोड़ी मूली की पत्ते हैं और मैं इन पत्तों की सब्ज़ियाँ बनाऊंगी। तो इस मूली की पत्ते में मूली बहुत ही छोटी छोटी होती है, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी और पतली पतली, एकदम सॉफ्ट सी मूली होती है। और इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस मैंने इन सबको काट लिया है और इनको अच्छी तरह से धोकर किसी छन्ने में रख दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए, और फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो मूली को बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और इस छन्ने में रख दिया है। छन्ने के नीचे वो तसला रख दिया है मैंने, तो सारा पानी निकल कर नीचे चला जाएगा। और बस अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो इस सब्ज़ी को मैं कुकर में बनाऊँगी। तो कुकर हमारा गर्म हो गया है, मैंने उसमें तेल डाल दिया है, और एक छोटी प्याज है, और 4-5 कली लहसुन को मैंने काट कर इस तेल में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी और बस ये हो जाएगा। तो बस इसमें अभी मैं मूली डालूंगी। मूली और इसके पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धोकर रखा था, तो इसका पानी पूरी तरह से निकल गया है। और यहाँ पर मैं प्याज डाल दी थी मैंने, तो वो भी अच्छी तरह से लाल हो रहा है। तो बस अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसमें डाल दूंगी। और पूरे सब्ज़ी को मैंने कुकर में डाल दिया है, और टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें। और 4 टमाटर है मीडियम साइज़ का, मैंने उसको काट लिया है। और 3-4 हरी मिर्च है, मैंने उसको भी इसी लंबा लंबा कट कर लिया है। और सब्ज़ी में इसको डाल दूंगी और कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी। और ये बहुत ही जल्दी 3-4 सीटी में बन जाता है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो बस अभी ढक्कन को बंद करते हैं, 2-3 सीटी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं खोल कर आपको दिखाऊँगी। और पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। टमाटर और मिर्ची वगैरह डाल रही हूँ मैं, जब तक मैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल नीचे चला गया है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा है। तो बस अभी ढक्कन को बंद करते हैं और 2 सीटी में ही हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 सीटी होने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और अभी कुकर मैंने खोल कर देखा है तो मूली काफ़ी अच्छी तरह से गल गई है और इसका काफ़ी पानी भी निकला हुआ है। तो बस इसको भून लेंगे। और मैं दूसरी तरफ मूंग को उबालने के लिए रखी हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब तक हमारा मूली भूनता है। और यहाँ पर मैंने ये मूंग भी उबाल लिया है, तो बस अभी इसी मूंग को मैं उस मूली में डाल दूँगी। और इसका पानी जो है वो पानी में नहीं डालूँगी, सिर्फ मूंग डालूँगी। बस इस तरह से इसे निकाल के, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, मैं इसमें इस तरह से ये मूंग को डाल दूंगी। तो बस इसी तरह से सारी मूंग डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें मूंग भी डाल दिया है और 1 चम्मच मेहरान मसाला डाल दिया है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी साइड साइड में आ रहा है, तो मैं इसको 1 सीटी और कर लूँगी ताकि वो पानी भी सूख जाए। और जो मूंग तो उबला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर कच्चा होगा तो वो भी गल जाएगा। तो बस अभी मैं इसको 1 सीटी और कर लेती हूँ। मैंने इसमें नमक मिर्च मेरे हिसाब से डाला है, मैंने लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाला, सिर्फ 2-3 हरी मिर्च डाला है। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस मैंने मेहरान मसाला डाल दिया है, और अभी कुकर को बंद करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा मूंग की दाल वाला ज़ीरा राइस बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मूली मूंग के साथ ये चावल बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये भी साथ में मैंने रख दिया है, और साथ साथ ये भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा मूंग और मूली की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई है। मैंने 1 सीटी कर फ्लेम ऑफ़ किया था और इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है, तो अभी मैंने इसको खोल कर देखा है। अक्खा मूंग भी बिल्कुल खड़ा खड़ा है और गल गया है, और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो बस अभी इसको साइड में रखते हैं और इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। पैन में ढेर सारा देसी घी डाला है मैंने, उसमें
लहसुन काट के डाला है और ढेर सारा जीरा है, बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बस अभी इसी जो दाल मैंने रेडी किया है उस पर डाल देंगे और माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी लगता है। और हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अभी मैं खाना सर्व करती हूँ और फाइनल डिश आपके साथ शेयर करती हूँ। मूली की ये सब्ज़ी और साथ में अक्खा मूंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो आप भी ज़रूर ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह अक्खा मूंग और मूली की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने मूंग की दाल वाला ज़ीरा राइस बनाया है। होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।